अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर ने हाल ही में कोरोना का टीका खोजने और इसे 70 डिग्री सेल्सियस तक रखने की घोषणा की थी। इसे लेकर भारत में कोल्ड चेन व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन अब सरकार वैक्सीन को लेकर कंपनियों के दावों पर भरोसा नहीं कर रही है। जब तक नियामक मंजूरी नहीं मिलती, तब तक सरकार उक्त कंपनी के दावों पर विचार नहीं करेगी। देश में कोल्ड चेन को लेकर फिलहाल सरकार चिंतित नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि कोरोना वायरस का वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां अलग अलग दावे कर रही है, कोई 70 तो कोई -2 से -80 डिग्री सेल्सियस तापमान में वैक्सीन को सुरक्षित रखे जाने की पुष्टि कर रहा है। लेकिन जमीनी स्तर पर कोल्ड चेन को लेकर तभी काम किया जा सकता है जब किसी एक दावे पर भरोसा किया जा सके। दरअसल फाइजर टीम के वैज्ञानिक उगुर साहिन ने हाल ही में कहा कि वैक्सीन वायरस पर कड़ा प्रभाव करेगी और महामारी को खत्म कर देगी। वैक्सीन का पूरा डेटा 3 हफ्तों में आ सकता है। वैक्सीन 1 साल के लिए सुरक्षा देगी और हर साल 1 बूस्टर की जरूरत पड़ सकती है। देश में कोल्ड चेन को लेकर राष्ट्रीय टास्क फोर्स के भी सदस्य ने एक न्यूज चैनल से बातचीत की और उसमें कहा, देश में कोल्ड चेन प्रबंधन को लेकर दिक्कतें हैं। हालांकि इन चुनौतियों पर कोई फैसला लेना फिलहाल जल्दबाजी हो सकता है। कोरोना की वैक्सीन को लेकर भारत में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी आ रही है। टास्क फोर्स से जुड़े ऑफिसर्स का कहना है कि अलग अलग देशों के दावों पर भरोसा करने की जगह सरकार स्वदेशी कंपनियों पर ज्यादा ध्यान दे रही है। उन्हें पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इन्हीं कंपनियों की वैक्सीन देश के करोड़ों लोगों को उपलब्ध होगी। जिन कंपनियों को नियामक मंजूरी मिल चुकी है उनसे सरकार लगातार संपर्क में है। हालांकि फाइजर के पास अभी ऐसा नहीं है, इसलिए कोल्ड चेन को लेकर फिलहाल चिंता नहीं है। इनकी जगह जिनेवा बायो फार्मास्यूटिकल जैसी कंपनीज को लेकर बातचीत हो रही है। ये कंपनी mRNA आधारित वैक्सीन पर काम कर रही है। वहीं भारत बायोटेक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और जायडस कैडिला को लेकर भी सरकार काफी उत्साहित है। जेनोवा बायो फार्मास्यूटिकल mRNA तकनीक के आधार पर वैक्सीन खोज रही है। कंपनी के अनुसार 2 से 8 डिग्री तापमान में वैक्सीन सुरक्षित रखी जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो भारत के पास कोल्ड चेन प्रबंधन को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी। मार्च तक सभी परीक्षण पूरे हो जाएंगे। इस वैक्सीन के आने से दुनिया के कई देशों में कोल्ड चेन की परेशानी दूर हो सकती है। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।